हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा साइंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाटा साइंस क्या होता है और इसके यूजेस क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेटा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी डाटा साइंस का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम डाटा साइंस के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं, ताकि आप भी इसके बारे में ज़रूरी जानकारी रख सकें। तो चलिए डाटा साइंस के बारे में जानते हैं। डेटा साइंस डेटा से संबंधित स्टडी का नाम है, जिसमें डेटा को कलेक्ट करके उसकी स्टडी और एनालिसिस किया जाता है और उसके फ्यूचर प्लान्स किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सी कंपनियों ने अपने कस्टमर संबंधित डाटा को स्टडी और एनालिसिस करके अपने कंपनियों के नतीजों में काफ़ी पॉजिटिव सुधार किए हैं। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो डाटा साइंस का इस्तेमाल करती हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ई कॉमर्स, एजुकेशन। डेटा साइंस का गोल किसी भी डेटा से सही नॉलेज प्राप्त करना है, चाहे डाटा स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड। डेटा साइंस में डेटा के एनालिसिस को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला, डेटा कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। दूसरा, डेटा को अलग अलग कैटेगरी में छांटा जाता है। तीसरा, आखिर में डेटा की डिलीवरी की जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं डेटा साइंस की ज़रूरत क्यों है। जिस तरह का डेटा पहले इस्तेमाल किया जाता था, वह ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड और साइज़ में छोटा हुआ करता था, जिसे आसानी से BI टूल की मदद से एनालाइज किया जा सकता था। लेकिन आजकल जो डाटा इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। ये डेटा बहुत से अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, जैसे फाइनेंशियल लॉग्स, टेक्स्ट फाइल्स, मल्टीमीडिया फॉर्म्स, सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सिंपल BI टूल्स इस तरह के डाटा को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें डाटा को प्रोसेस करने के और एनालाइज करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस एनालिटिक्स टूल्स और एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। डेटा साइंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इन एप्लीकेशन में होता है। सबसे पहला, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। दूसरा, हेल्थ केयर। तीसरा, इंटरनेट सर्च। चौथा, ट्रांसपोर्ट। पाँचवा, ई कॉमर्स। छठा, वेबसाइट रिकमेंडेशन। सातवां, टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग। आठवां, स्पीच रिकॉग्निशन। नवा, गेमिंग। दसवां, एयरलाइंस रूट प्लानिंग। डेटा साइंस का इस्तेमाल अब बहुत से फील्ड्स में होने लगा है, इसलिए इस बारे में जानकारी लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं कैसे नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय।